हेलो गाइस, मैं हूं समीर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या होता है और हम इसे किस जगह पे यूज करते हैं। तो प्रेशर रिलीफ वाल्व जो है, ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे यूज करते हैं, जिसे के सिस्टम के हाई साइड और लो साइड पे लगाया जाता है। अगर सिस्टम वाटर कूल्ड है तो उस सिस्टम पे इसे कंडेंसर के टॉप पे शेल के साथ कनेक्ट किया जाता है, या अगर सिस्टम एयर कूल्ड है तो इसे डिस्चार्ज लाइन पे लगाया जाता है। किसी किसी सिस्टम पे इसे कंप्रेसर के हाई साइड पे भी लगाया जाता है। इसका काम यह है कि जिस जगह पर हम ये प्रेशर रिलीफ वाल्व यूज कर रहे हैं, उस जगह का प्रेशर अगर सेफ लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए तो वो प्रेशर रिलीफ वाल्व ओपन हो जाएगा और जो भी फ्रियोन है वो एनवायरमेंट पे रिलीज कर दिया जाएगा। मतलब के जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर का जो एनवायरमेंट है, वो फ्रियोन सिस्टम से रिलीज होकर एनवायरमेंट पे मिक्स हो जाएगा। उस प्रेशर रिलीफ वाल्व पे जितना प्रेशर उस पे लिखा हुआ है, अगर फ्रियोन का प्रेशर उससे ज्यादा होता है तो वो फ्रियोन सिस्टम से पर्ज आउट होना शुरू हो जाएगा और पूरा फ्रियोन सिस्टम से रिलीज हो जाएगा। इस प्रेशर रिलीफ वाल्व को लो साइड में सिर्फ फ्लडेड टाइप चिलर पे ही यूज किया जाता है। इसे कभी भी डेड नहीं करना चाहिए, मतलब कि इसे कभी भी बंद नहीं करना चाहिए किसी भी तरह के इक्विपमेंट से। अगर हम इसे क्लोज करते हैं तो इसे क्लोज करने से एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाएगा। सिस्टम पे अगर प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है तो ये रिलीज नहीं करेगा, फ्रियोन को रिलीज नहीं करेगा और सिस्टम पे जो भी सक्शन लाइन या डिस्चार्ज लाइन जहां पे भी ये लगा हुआ है, इसके ब्लास्ट होने का चांसेस बढ़ जाएगा। अगर ये प्रेशर रिलीफ वाल्व किसी भी रीजन से एक बार ओपन हो चुका है और उस पे से फ्रियोन रिलीज हो चुका है तो हमें उस प्रेशर रिलीफ वाल्व को चेंज कर देना चाहिए। अगर एक बार फ्रियोन उसमें से रिलीज होने के बाद भी अगर हम प्रेशर रिलीफ वाल्व को चेंज नहीं करते हैं तो इसमें से फ्रियोन हमेशा लीक होता रहेगा। तो फ्लडेड टाइप चिलर, जिसकी वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वो लिंक को फॉलो करें और वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू।